नमस्कार, मैं राजेश श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 3 की EVS विषय पुस्तक के पाठ 20 बूंद बूंद से में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। बूंद बूंद से जो पाठ है, इसमें ये पानी की उपयोगिता, पानी के महत्व पर, जल संरक्षण पर आधारित है। अगर हम बात करें गृह कार्य नवाचार की नवीनता के बारे में, तो प्रस्तुत पाठ में जो जल संरक्षण से संबंधित छात्रों को आसपास के परिवेश के आधार पर गृह कार्य करने को दिया जाता है, और जिससे कि वे वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा और अपनी समझ को वो बेहतर और विकसित कर सकें। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें, तो प्रस्तुत पाठ में जो गृह कार्य नवाचार जो आसपास के परिवेश हैं उससे संबंधित कुछ गृह कार्य दिए जाते हैं, और प्रस्तुत पाठ बूंद बूंद से में जल संरक्षण के ऊपर गृह कार्य दिया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। इस नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। आइए हम बात करते हैं पूर्व प्रबंधन के बारे में। जो इसमें पूर्व प्रबंधन है, तो जो पाठ है बूंद बूंद से, इससे संबंधित जो तालिका बनाई जाती है, वो तालिका में की जो प्रतियां हैं वह शिक्षकों को लानी होती है। आइए हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए निर्देश की। तो जो शिक्षक हैं उनको जो निर्देश देना है विद्यार्थियों को, वो ये देना है कि घर से सबको पाँच पंक्तियाँ लिख कर लानी है, जिसमें जल संरक्षण, पानी के जो व्यर्थ इस्तेमाल है उस पर उनको जानकारियाँ लिखनी होती हैं। तो तालिका इसी से संबंधित बनवाई जाती है छात्रों से, जिससे कि उनमें ज्ञान सोच का कौशल का विकास होता है। जो अभिभावकों के लिए इसमें निर्देश है ये है कि जो गृह कार्य दिया जाता है विद्यालय से, तो अभिभावकों को उसमें उनसे पूरी तरीके से उनका सहयोग करना होता है, छात्रों का सहयोग करना होता है, जिससे कि वह इसे अच्छे तरीके से कर सकें, और जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ इसमें सही भरें। दूसरे दिन इसी से संबंधित जो पाठ है उसका पुनर्ध्यान कराया जाएगा, उसे दोहराया जाएगा। तो जो तालिका भरी गई है उस तालिका को विद्यार्थी जो है विद्यालय तक लेकर आते हैं और एक दूसरे के साथ साझा भी करते हैं। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित किया जाता है। आइए हम बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। तो प्रस्तुत पाठ में जब नवाचार क्रियान्वित होता है, तो इसमें आसपास के परिवेश से छात्र सीख पाते हैं। घर से विद्यालय और विद्यालय से घर आते जाते समय वे काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं और वस्तुओं को ऐसा देखते हैं जिससे कि काफ़ी कुछ सीखते हैं, जैसे कि सड़क पर यातायात के चिन्ह हैं उन्हें देखते हैं, उनसे देख के समझते हैं, और इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप के भी जो संकेत चिन्ह होते हैं उनसे भी समझ पाते हैं। तो इस तरीके से ये नवाचार के प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें NCERT 2005 की, तो ये जो नवाचार है बाल केंद्रित होने की वजह से NCERT 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है, और यदि बात की जाए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो उनके साथ भी इसे क्रियान्वित किया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में हमने गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हमने समझा। प्रस्तुत पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि यह नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के ये और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारा पेज ZIIEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।